हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आप देख रहे हैं टुडे ऑडिशन और जो आज की वीडियो है, आज हम डिस्कस करेंगे कोज एंटरटेनमेंट के कैसे आपको ऑडिशन देने हैं, क्योंकि जो कोज एंटरटेनमेंट है उसका नया जो ग्रुप है द बॉय नेक्स्ट डोर, आपने सॉन्ग सुना होगा लाजवाब है। जानेंगे बेसिक डिटेल्स क्या हैं ताकि आप पार्टिसिपेट कर सकें अच्छे से, आप अच्छे से फॉर्म फिल कर सकें और आपको क्लियर रहे कि बेसिकली कोज एंटरटेनमेंट कितनी बड़ी कंपनी है। बॉयज नेक्स्ट डोर का अगर सॉन्ग आपने नहीं सुना तो एक बार जरूर जाके सुनिए, देखिए, रिव्यू दीजिए बेसिकली कैसा लगा आपको, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बेसिकली कोज एंटरटेनमेंट क्या है, फिर उसका जो रजिस्ट्रेशन निकला है, जो फॉर्म निकला है, जो ऑडिशन प्रोसेस है वो पूरा जानेंगे और भी कुछ बेसिक डिटेल हम जानने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं हाई बे लेबल, हर कोई जानता है बहुत बड़ा लेबल है जो बहुत सारे रिकॉर्ड लेबल इसके नीचे काम करते हैं। सबसे पहला है कोज एंटरटेनमेंट, कोज हाई बे लेबल का ही है, तो ये कभी मिसगाइड मत होना कि कोज अलग ब्रांड है, हाई बे लेबल अलग है, तो ये चीज़ याद रखना। दूसरा बी लिफ्ट भी हाई बे लेबल का है, तो बी लिफ्ट, कोज, हाई बे लेबल सब एक बात है। और बिग हिट भी गाइज हाई बे लेबल का ही है। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोज एंटरटेनमेंट में आप ऑडिशन दे रहे हो तो इसका मतलब साफ है कि आप बिग हिट में भी ऑडिशंस दे रहे हो। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, बहुत सारी गर्ल्स ये बोलती हैं कि बिग हिट कभी भी गर्ल्स के लिए ऑडिशंस क्यों नहीं निकालता, बिकॉज बिग हिट बॉय के लिए बना है। अगर आपको बिग हिट में ही ऑडिशन देना है तो उसके लिए आप कोज एंटरटेनमेंट में दे सकते हो या फिर अडोर में दे सकते हो, सोर्स म्यूजिक में दे सकते हो, यहां पर गर्ल्स ऑडिशंस देती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब एक ही कंपनी है, यहां पर आप किसी भी कंपनी में ऑडिशन दे, चाहे आप कोज में जाएं, बी लिफ्ट में जाएं, बिग हिट में जाएं, प्लेडिस में जाएं, सोर्स म्यूजिक में जाएं या फिर अडोर में जाएं, सभी कंपनी एक हैं। तो किसी भी कंपनी में आप अगर ऑडिशंस देते हैं तो आप हाई बे लेवल के नीचे ही काम करेंगे। वही गाइज एक पॉजिटिव पॉइंट और बताता हूं मैं आपको, अगर आप कोज में ऑडिशन देते हैं, आप बी लिफ्ट में देते हैं या प्लेडिस में देते हैं, बिग हिट में देते हैं या सोर्स म्यूजिक या अडोर में देते हैं, तो जो पॉजिटिव पॉइंट है वो यही है कि यहाँ पर जो पुराने केपॉप आर्टिस्ट हैं वो आपको सिखाते हैं, आ जाते हैं सिखाने, बिकॉज हाई बे लेवल के नीचे काम करते हैं, किसी भी आर्टिस्ट को ये सिखाने के लिए आपके पास भेज सकते हैं। तो हो सकता है कि अगर आप कोज एंटरटेनमेंट में जाएं तो बिग हिट का कोई भी मेंबर यानी BTS का कोई भी मेंबर आपको ट्रेनिंग कराए कुछ टाइम के लिए, ऐसा नहीं कि परमानेंट ट्रेनिंग कराएगा, लेकिन कुछ टाइम के लिए आप उनसे मिल भी सकते हो। लेकिन अगर आप दूसरी कंपनीज में जाते हैं, चाहे ककाओ में जाएं, SM में जाएं, लॉयंस में जाएं या फिर आप YG की कंपनी में जाएं, JYP की कंपनीज में जाएं, तो फिर वहां पर आपको BTS देखने को नहीं मिल सकते। तो जो लोग BTS से मिलना चाहते हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बट बाद में कभी ना कभी इवेंट्स में मिल ही जाते हैं अगर आप एक K-pop आर्टिस्ट बन जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप दूसरी कंपनी में पार्टिसिपेट करेंगे तो आप अपने फेवरेट आर्टिस्ट से नहीं मिल सकते। तो चलो गाइज, ये तो आपको अब क्लियर हो चुका है कि कोज एंटरटेनमेंट कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है और इसका भी लेटेस्ट नया ग्रुप निकला है जिसने अभी डेब्यू किया है, बॉय नेक्स्ट डोर, जो काफ़ी अच्छा है। नाउ गाइज, अब हम बात करेंगे इसके ऑडिशन की, कैसे आपको ऑडिशन देना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, ये जो लिंक है आपको इस वेबसाइट का, आपको इस वीडियो का जो फर्स्ट कमेंट होगा वहाँ पर मिल जाएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप अपने मोबाइल से फॉर्म फिल कर रहे हैं या फिर अपने PC लैपटॉप से कर रहे हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर लैंग्वेज का ऑप्शन है इंग्लिश, कोरियन, बेसिकली आप इंग्लिश में ही फॉर्म फिल करना क्योंकि हर कोई इंग्लिश में ही करेगा, इंडिया से या फिर अदर कंट्रीज से, तो इंग्लिश में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन ऑडिशन लिखा हुआ है, ऑडिशंस ऑनलाइन होंगे, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, जो डांसर्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते और यहाँ पर सिर्फ सिंगर और प्रोड्यूसर के लिए जगह खाली है, जो सॉन्ग प्रोड्यूस करते हैं और जो सिंगर हैं उनके लिए है। अगर आप सिंगर हैं या प्रोड्यूसर हैं तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ईमेल है, इस ईमेल पे आपको अपनी डांसिंग की वीडियो, सिंगिंग की वीडियो, एक रैप करते हुए की वीडियो और एक कंपोजिशन अगर आप कर सकते हो तो वो वीडियो आपको इधर देनी है। फिलहाल आप सिंगर हैं तो आप अपनी एक सिंगिंग करते हुए की वीडियो तो देनी है, डांसिंग की, रैप की या फिर कंपोजिंग की अगर आप नहीं देते, छोड़ देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है सिंगिंग करते हुए की, और इसने साफ साफ बोला है कि ऑडियो नहीं देनी, सिर्फ वीडियो देनी है, वीडियो में आपका फेस होना चाहिए और फेस
क्लियर होना चाहिए, ब्राइट होना चाहिए, यानी कि आप दिखने चाहिए। दूसरा, आप अपनी वीडियो के अंदर बैकग्राउंड म्यूजिक बिल्कुल मत लगाना। बहुत सारे सिंगर्स मैंने देखा है अपनी सिंगिंग की वीडियो डालते हैं लेकिन पीछे उनका बैकग्राउंड बजता है, जो सॉन्ग में होता है वो वाला बैकग्राउंड आपको नहीं प्ले करना है। सिंपल एक बात और, किसी भी तरह का एयरफोन कानों में मत लगाना, सिंपल आपको रिकॉर्ड करना है। अगर आप एयरफोन लगाते हो या हेडफोन लगा के बोल रहे हो, सिंगिंग कर रहे हो, तो उनको पता चलता है कि आपके जो एयरफोन है या हेडफोन है उसमें वो सॉन्ग प्ले हो रहा है। तो ये चीज़ मत करना, ये करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। आपको वन वर्सेस में ही सॉन्ग गाना है और जो सॉन्ग होगा 1.30 मिनट का होगा। वन वर्सेस कुछ नहीं होता, एक सिंपल रिकॉर्डिंग करनी है, कहने का मतलब ये है। 1.30 यानी कि 1.5 मिनट के आसपास आपको सिंगिंग करनी है। अगर आप रैप कर सकते हैं तो रैप के लिए भी आप एक वीडियो बना सकते हैं, वहीं अगर आप डांस कर सकते हैं तो जरूर आपको डांस करते हुए की वीडियो डालनी है। तो गाइस आप इधर देख सकते हैं, कम से कम आपको वीडियो बनानी होगी 1, 2, 3, 4, 5 वीडियो आपको बनानी है। लेकिन इसमें ये सिंगिंग के लिए तो दो वीडियो ही आपको बनानी है, एक तो आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन और एक वीडियो बनानी है आपको सिंगिंग करते हुए की। और बाकी ऐसा नहीं आप बना नहीं सकते, इनको भी आप बना सकते हैं लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। दो वीडियो आपके लिए कंपलसरी है, एक सिंगिंग करते हुए कि 1.5 मिनट की, दूसरा सेल्फ इंट्रोडक्शन जिसमें आप अपने बारे में बताओगे। बस ये दो वीडियो आप बना के रखिए। जब आप दोनों वीडियो बना लेते हैं तो ये ईमेल है, इस ईमेल को कॉपी करके रखिए और ये दिख रहा है डाउनलोड द एप्लीकेशन, इस पर आपको सिंपली क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी। ये डाउनलोड हो गई है, मैं सो द फोल्डर करके इसको ओपन कर देता हूँ और ये आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है, कोज एंटरटेनमेंट ऑडिशन। इसको आपको पूरा फिल करना है। फिल कैसे करना है, ये नेम है अपना, इधर नेम लिखना है। अब देखो आप अगर इधर अपना नेम नहीं लिख पा रहे तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको प्रिंट आउट करा लीजिए। प्रिंट आउट कराने के बाद आप घर पे आराम से पेन से ईजिली लिख सकते हैं। लिखने के बाद उसका फोटो क्लिक कराइए और इनको ईमेल कर देना है पूरा फॉर्म इस तरह से। नहीं तो अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है, कोई ऐप है जिससे आप इधर लिख सकते हैं तो फिर आप लिखकर ऐसे भी सबमिट कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन है आपके पास, या तो इसका फोटोकॉपी करा के आप जैसे वर्बली फॉर्म भरते हैं पेन से वैसे भर के आप फोटो क्लिक करके फिर से इनको सेंड कर सकते हो। ईमेल मैंने आपको बता दिया, ये वाला ईमेल है, फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, इस ईमेल पे आपको सेंड करना है। ये पूरा फॉर्म आपको फिल करना होगा, पूरा फॉर्म फिल करने के बाद आपको इस ईमेल पे इनको सेंड करना है और साथ के साथ दो वीडियो, एक वीडियो सिंगिंग की और एक सेल्फ इंट्रोडक्शन की। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नेम डालना है, अपना इधर जेंडर डालना है, मेल है तो मेल पे टिक करिए, फीमेल है तो फीमेल पे। अपना इधर वेट और हाइट, सबसे पहले आपको इधर हाइट लिखनी है सेंटीमीटर में, वेट लिखना है आपको केजी में, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है आपको इधर, नेशनैलिटी आपको इधर लिखनी है, स्कूल और जॉब, अगर आप स्कूल हैं तो स्कूल लिखिए, जॉब करते हैं तो जॉब लिखिए, एक्स्ट्रा नंबर सेलफोन नंबर इधर आपको देना है, अपना एड्रेस देना है, SNID आप छोड़ सकते हैं कोई ज़रूरत नहीं है, कैटेगरी आपको बतानी है, अपना टैलेंट बताना है, अल्टरनेटिव अवार्ड अगर आपने कोई जीता है तो वो बताइए, ऑडिशन एक्सपीरियंस अगर आपका है तो वो बताइए, इधर आपको अपना स्पेशल नोट डालना है। बस इतना सा काम करके गाइज आपको इधर ये ऑप्शन दिख रहे हैं बॉक्सेस, इन बॉक्सेस पे आपको टिक कर देना है। आपको ये बात समझ नहीं आ रही कि बेसिकली क्या लिखा है तो इसको सिलेक्ट करके आप इस लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं, दूसरी लैंग्वेज में आप इसको रीड कर सकते हैं। ओवरऑल गाइज फॉर्म तो इतना ही था जितने मैंने आपको ऊपर बता दिया है, बाकी गाइज ये आपको पूरा ही फॉर्म फिल करना होगा, अगर आप पूरा नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और जब ये फॉर्म आप पूरा फिल कर लेते हैं उसके बाद आपको मेल करना है, मेल मैंने आपको बता दिया है, बस इतना सा काम करना है, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। यहां पर गाइस कुछ और क्वेश्चंस हैं, जैसे कब रिप्लाई आएगा, या फिर हमारा फॉर्म सबमिट हुआ नहीं हुआ कैसे पता चलेगा, या और कोई सा तरीका बेस्ट तरीका है कोज एंटरटेनमेंट में जाने का, ये सब कुछ जानना है अगर आपको तो उसके लिए कल वेट करना होगा। कल मैं पूरा डेडिकेटेड फिर से एक बार बताऊंगा ताकि आपको क्लियर हो सके। अभी मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि एक फॉर्म डाउनलोड करके रखना है, अपनी एक सिंगिंग करते हुए की वीडियो तैयार करनी है, साथ ही साथ आपको अपना एक सेल्फ इंट्रोडक्शन तैयार करना है। जब ये सब हो जाए तो कल हम मिलेंगे फिर से और आपको डिटेल में इस बारे में बताने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ गाइस कल जो मैंने आपको फॉर्म फिल कराया था जिसमें
हमने आपसे बोला था कि अगर आपसे फॉर्म फिल नहीं होता तो हम आपका फॉर्म फिल करेंगे, तो उसकी भी अपडेट मैं आपको जल्द ही देने वाला हूँ। यानी कि जिन लोगों ने फॉर्म फिल किया उनके पास जल्द से जल्द मैसेजेस आने लगेंगे, जहाँ पर हम आपसे पूछेंगे कि आपको फॉर्म फिल करवाना है या नहीं करवाना। अगर आप यस बोलते हो तो हम आपका करेंगे डेफिनेटली, और अगर आप कोई रिप्लाई नहीं देते तो फिर वो बात वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ पर गाइज आपको एक चीज़ ध्यान से समझनी है। सबसे पहले आपको कोशिश करनी है खुद से पूरा फॉर्म फिल करने की। उसके बाद अगर आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, अगर आपसे नहीं हो रहा, तब हम आपकी हेल्प करेंगे और वो एक सर्विस के हिसाब से रहेगा। अब जब सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ चार्ज रहता है। अब ये जो चार्ज है इतना बड़ा नहीं कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, ये बहुत ही माइक्रो चार्ज रहेगा। इसके पीछे के रीजंस हैं बहुत सारे जिसकी वजह से माइक्रो चार्ज आपसे लिया जा सकता है। अब यहाँ पर ये माइक्रो चार्ज कितना हो सकता है, इसके लिए मैं आपको बताऊँ तो ये इतना होगा कि हम कह सकते हैं कि 10 रुपये 20 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इतना ही ये चार्ज होगा। बाकी कोशिश करेंगे कि इससे ज़्यादा ये चार्ज ना बढ़े। तो इसीलिए गाइज मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप खुद से फॉर्म फिल कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप अपना सहारा लीजिए। मैं आपको प्रॉपर बताऊँगा, फिलहाल आपका काम अभी यही है कि आपने एक सिंगिंग की वीडियो तैयार करनी है, एक सेल्फ इंट्रोडक्शन तैयार करना है, अगर आपको कोज एंटरटेनमेंट में सिंगर बन के जाना है। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।